Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET exam, Commerce and Management. So today we are going to start a very important topic, that is higher education questions for paper 1 UGC NET exam. अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस हमें हायर एजुकेशन में आते हैं, जहां कुछ रीसेंट चेंजेस आए हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में, कुछ रैंकिंग्स आई हैं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स की, या फिर कुछ वैल्यू बेस्ड एडिशंस हुई हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स में. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये बहुत ही फैक्चुअल और जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप सारी रैंकिंग्स और लेटेस्ट रिफॉर्म से अपडेटेड हैं, तो बहुत इजीली आप हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, MHRD की वेबसाइट को भी आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें, और हमारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां हम रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, फॉर बोथ फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM. सो चलते हैं और देखते हैं. मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं हायर एजुकेशन टॉपिक के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दैट इज अनुज जिंदल. लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. According to NIRF rankings 2019, which of the following institutes are given the top ranks in the management category? अब इससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि what is this NIRF? So NIRF stands for National Institution Ranking Framework. इंडिया के colleges की rankings देने के लिए institute है जो सारी rankings devise करता है, और हर year कोई ना कोई rankings में changes आते हैं हर अलग अलग कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट कैटेगरी का टॉप इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो ओवरऑल कॉलेजेस की रैंकिंग, साइंस बेस्ड रैंकिंग, कॉलेजेस बेस्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी बेस्ड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ सकते हैं. सो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस में काफ़ी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है. और मैनेजमेंट सेक्शन में क्योंकि चेंज आया है रैंकिंग में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है कि अपकमिंग नेट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकें. सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ. इज इट ए, आई एम अहमदाबाद? इज इट बी, आई एम बैंगलोर? इज इट FMS, दैट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज? और इज इट डी, आई एम कैलकटा? नाउ जनरली अगर किसी को नहीं भी पता हो तो वो ये तो गैस कर सकता है कि आंसर इन चारों में से ही कोई होगा, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप अहमदाबाद टेक कर दें. बट रिसेंटली NIRF रैंकिंग्स में चेंज आए हैं और अब जो टॉप पे इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट कैटेगरी में, दैट इज़ IIM बैंगलोर. सो काफ़ी सालों से पहले IIM अहमदाबाद फर्स्ट पे हुआ करता था, बट इस बार रैंकिंग में चेंज आ गया है और IIM बैंगलोर अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग 2019 के हिसाब से टॉप पे है. लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ. What is the ranking of IIT Delhi at QS World University Ranking 2019? अब कुछ पास्ट ईयर्स में सिर्फ इंडिया से रिलेटेड रैंकिंग नहीं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं. इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये जान लेते हैं कि ये QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है. सो QS स्टैंड्स फॉर क्वार्क दिल्ली. ये एक ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन सेक्टर कंपनी है, क्वार्क दिल्ली साइमंड्स, जो कि रैंकिंग्स प्रोवाइड करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे. सो रिसेंटली इसने IIT दिल्ली को एक रैंकिंग दी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे, और हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि IIT दिल्ली की रैंकिंग क्या है. सो रैंकिंग्स में चेंजेस आते रहते हैं. अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018, IIT दिल्ली की रैंकिंग 182 थी, बट इस बार रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आया है और अब जो रैंकिंग है IIT दिल्ली की वो है 172. सो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. तो हमें ना ही सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स का ध्यान रखना है, बल्कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स की क्या जगह है, इसका भी हमें खास करके ध्यान रखना पड़ेगा. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. विच स्कीम इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग द टैलेंट पूल ऑफ द कंट्री टू डॉक्टरल, दैट इज PhD प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन विद फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज. तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका एम है कि वो टैलेंट पूल अट्रैक्ट करे PhD की तरफ इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ IITs एंड IISc बैंगलोर. सो बहुत टाइम से हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे एट द यूनिवर्सिटी लेवल
at the world university level. So government has started with some of the initiatives जहाँ पे वो काफ़ी सारे programs लेके आ रही है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे grants दे रही है, special infrastructure दे रही है, ताकि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी research कर सकें और हम हमारी जो national as well as international rankings हैं research level पे वो improve हो सके. So हमें इस question में बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी scheme है या fellowship program है जो इसे promote करता है. आइए options देखते हैं. So is it A, Prime Minister Research Fellowship Program? Is it B, National Research Fellowship? Is it C, State Research Fellowship? Or is it D, Maulana Abul Kalam Research Fellowship? So जो correct answer है वो है A, that is Prime Minister Research Fellowship Program. इस program के अंदर काफ़ी सारे students चुने जाएंगे जिन्होंने at least 5 years का course कर लिया है complete in the science domain, let us say M.Tech. And इनको अलग अलग stipend दी जाएगी monthly in nature पे. For first 2 years, इन्हों जो stipend मिलेगी that will be 70,000 rupees per month. For the third year इन्हें जो stipend मिलेगी that will be 75,000 and for the fourth and fifth year इन्हें जो stipend मिलेगी that is 80,000. और भी काफ़ी तरीके की grants और facilities इन्हें अवेल कराई जाएंगी. So ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा PhD और अच्छे रिसर्च के स्कॉलर्स को प्रमोट कर सकें और अच्छी रिसर्च कर सकें. Let us have a look at the next question now. What is the amount of grant offered to Prime Minister Research Fellowship Program students for traveling expenses with reference to research purposes? अभी हमने इस टॉपिक के बारे में बात करी और मैंने आपको बताया है कि अपार्ट फ्रॉम मंथली स्टाइपेंड उन्हें काफ़ी सारे ग्रांट दिए जाएंगे जिसमें से वन ऑफ द ग्रांट इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस. सो कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च स्कॉलर्स को जब आप एक बार पीएचडी में इनरोल कर लेते हैं उन्हें नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज के लिए इंडिया और आउटसाइड इंडिया जाना पड़ता है जिसके लिए काफ़ी सारे पैसे लगते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी, लैक ऑफ फंड्स, वो नहीं जा पाते इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में और इस तरीके से जो अच्छी रिसर्च वो कर सकते हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती. तो इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अच्छा अमाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए दिया गया है रिसर्च स्कॉलर्स को और वो जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीज़. तो हमें याद रखना है ये कि ग्रांट अमाउंट क्या है. कई बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस एज पर मिनिस्ट्री ऑफ HRD डेवलपमेंट. सो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स, कौन से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो दिए गए हैं नीचे वो नहीं रिकग्नाइज हैं, नॉट वर्ड लगा हुआ है, एज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बाय MHRD. सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड रिसर्च वर्क, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो कि बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, उन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन इंस्टीट्यूट्स पर रहे, उन इंस्टीट्यूट्स को बेस्ट फैकल्टीज़ एंड फॉरेन कोलैबोरेशंस अलाउ की जा सके. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसे अभी तक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का स्टेटस नहीं दिया गया है. लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शन. इज इट बिट्स पिलानी? इज इट MAHE, दैट इज मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन? थर्ड जियो इंस्टीट्यूट है जो कि रिलायंस का है, अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया, इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, फिर भी इसे स्टेटस ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिल चुका है. एंड फोर्थ इज VIT वेलोर, जिसे अभी स्टेटस मिला नहीं है बट इसे रिकमेंडेशन में रखा गया है. सो यहाँ पे हमसे सिंस पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं कवर्ड है, सो द आंसर विल बी डी, दैट इज VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मुझे लगता है कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. सो प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिएगा ठीक से. और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप चाहें तो आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं. उस पर हम रेगुलर क्वेश्चंस, अपडेट्स, क्विज और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं. अगर आपको लगा कि आज जो आपने क्वेश्चंस किए हैं इनसे आपको कुछ हेल्प मिली हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल. टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.